बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास झारखंड के नए सीएम होंगे। उन्होंने रांची में विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया। अब से थोड़ी देर में वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चौदह साल के इतिहास में पहला मौका है जब गैर आदिवासी नेता के हाथों में होगी झारखंड की कमान। जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी के विधायक रघुवर दास 28 दिसंबर को रांची के बिरसा मुंडा ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया तो झारखंड के सभी जो इस राज्य में लगभग 92% असंगठित मजदूर है, उस मजदूर के तरफ से मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। चुनाव के नतीजों के बाद से ही रघुवर दास को मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, बस मुहर लगनी बाकी थी। शुक्रवार को केंद्रीय नेताओं जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौबे की मौजूदगी में रांची में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें रघुवर दास को नया नेता चुन लिया गया। हमने रघुवर दास जी को झारखंड के विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में घोषित किया और वो विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने हैं। हमें सबको विश्वास है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अलायंस के साथ पूरी ताकत से यहां पर एक सुशासन लाएगी। रघुवर दास पहले टाटा स्टील में काम करते थे। उन्होंने मजदूर नेता के तौर पर सियासी करियर की शुरुआत की थी। वो 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्व से विधायक बने। 2009 में रघुवर दास झारखंड के डिप्टी सीएम बने और फिर अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। 59 साल के रघुवर दास पार्टी में साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने गैर आदिवासी को झारखंड का सीएम तो बना दिया, लेकिन आगे के रास्ते आदिवासी सियासत की चुनौतियों से भरे होंगे, लिहाजा पार्टी किसी आदिवासी नेता को डिप्टी सीएम बना सकती है। उधर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद रघुवर दास के सामने भी ढेरों चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य के विकास को पटरी पर लाने की। धर्मवीर सिन्हा के साथ रोहित सिंह, रांची आज तक। तो खास तौर पर जेपी नड्डा पहुंचे थे रांची और वहां पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि विधायक दल के नेता होंगे रघुवर दास, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास चुने गए। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रघुवर दास जी को विधायक दल का नेता के रूप में उसको स्वीकार किया और विधायक दल का नेता बनाया और उसके पश्चात हमने रघुवर दास जी को झारखंड के विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में घोषित किया और वो विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने हैं। हमें सबको विश्वास है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अलायंस के साथ पूरी ताकत से यहाँ पर एक सुशासन लाएगी और सबका साथ लेकर के सबका विकास करेगी, ऐसा अपना विश्वास। रघुवर दास के झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिक गई है, जहां माना जा रहा है कि बीजेपी हिंदू मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जितेंद्र सिंह इसके लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में अगर नजर डालें तो साफ देखा जा सकता है कि जब से केंद्र में पीएम मोदी बने हैं, तब से अब तक बीजेपी शासित राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो वोट बैंक की राजनीति की परंपराओं को तोड़कर बनाए गए हैं। फिर चाहे बात महाराष्ट्र में 15 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना हो, हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री बनाना हो या झारखंड में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनना हो, ऐसे में एक संदेश को मोदी सरकार की तरफ से साफ है कि वो रूढ़िवादी राजनीति से हटकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है।